स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। 1975 के आपातकाल का विरोध करने वालों को सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष किस तारीख को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा? ए 26 जनवरी, बी 25 जून, सी 15 अगस्त, डी 2 अक्टूबर। आंसर बी 25 जून। एक्सप्लेनेशन: भारत सरकार ने घोषणा की कि आपातकाल के दौरान अन्याय का विरोध करने और लड़ने वालों को सम्मानित करने के लिए 25 जून को प्रतिवर्ष संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 25 जून 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लगाया गया था। अगला प्रश्न: नेपाल के कौन से प्रधानमंत्री 12 जुलाई 2024 को संसदीय विश्वास मत हार गए? ए केपी शर्मा ओली, बी माधव कुमार नेपाल, सी पुष्प कमल दहल, डी शेर बहादुर देउबा। आंसर सी पुष्प कमल दहल। एक्सप्लेनेशन: नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल 12 जुलाई 2024 को संसदीय विश्वास मत हार गए। दरअसल इस महीने की शुरुआत में चीन समर्थक केपी शर्मा ओली की पार्टी CPNUML ने प्रधानमंत्री प्रचंड की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल से गठबंधन तोड़ लिया था। इसके बाद उनकी सरकार अल्पमत में आ गई थी। द काठमांडू पोस्ट के मुताबिक ओली ने नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउबा के साथ राष्ट्रपति को सरकार बनाने की अर्जी सौंपी है। अगला प्रश्न: CISF और BSF द्वारा पूर्व अग्निवीरों के लिए कांस्टेबल की कितनी प्रतिशत नौकरियां आरक्षित की गई हैं? ए 5%, बी 10%, सी 15%, डी 20%। आंसर डी 10%। एक्सप्लेनेशन: केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF और सीमा सुरक्षा बल BSF ने पूर्व अग्निवीरों के लिए कांस्टेबल की 10% नौकरियां आरक्षित की है। इतना ही नहीं, पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से भी छूट मिलेगी। इसके अलावा पहले वर्ष में आयु में छूट 5 वर्ष की होगी और उसके बाद के वर्ष में आयु में छूट 3 वर्ष की होगी। अगला प्रश्न: 2021 तक अनुमानित वैश्विक जनसंख्या कितनी है? ए 5.2 बिलियन, बी 6.0 बिलियन, सी 6.5 बिलियन, डी 7.9 बिलियन। आंसर डी 7.9 बिलियन। एक्सप्लेनेशन: 2021 तक विश्व की जनसंख्या लगभग 7.9 बिलियन है। अनुमानों से पता चलता है कि ये 2030 तक लगभग 8.5 बिलियन, 2050 तक 9.7 बिलियन और 2100 तक 10.9 बिलियन तक पहुँच सकता है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक भारत अब दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। भारत की आबादी 142.86 करोड़ पहुंच गई है, जबकि चीन की जनसंख्या 142.57 करोड़ है। भारत की आबादी अब 29 लाख ज्यादा हो गई है। ये पहली बार है कि भारत की जनसंख्या 1950 के बाद से चीन से आगे निकल गई है। अगला प्रश्न: महिला T20 एशिया कप 2024 कहां आयोजित किया जाएगा? ए दाम्बुला श्रीलंका, बी दुबई संयुक्त अरब अमीरात, सी मुंबई भारत, डी कोलंबो श्रीलंका। आंसर ए दाम्बुला श्रीलंका। एक्सप्लेनेशन: 8 देशों का महिला T20 एशिया कप 2024 19 जुलाई 2024 को RDICS दाम्बुला में शुरू होगा। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के अलावा थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल और मलेशिया की टीम भी टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है। टीमों को 2 ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप ए भारत, पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात और नेपाल। ग्रुप बी बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया और थाईलैंड।